स्टैटिस्टिकल एवरेजेस की मोड की श्रृंखला में हम यहाँ देख रहे हैं अगला वीडियो कंटिन्यूस सीरीज़ में डेंसिटी टेस्ट। डेंसिटी टेस्ट हम तब अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन हमारा इंस्पेक्शन से सॉल्व नहीं हो रहा हो और ग्रुपिंग से सॉल्व करने पर भी हमारे टैली बार दी दो के सेम आ जाते हैं, यानी फिर भी आंसर हमारा टाई हो जाता है, डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा है, तो हम फिर डेंसिटी टेस्ट को काम में लेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, पहली बात वो चेक करेंगे क्वेश्चन आपका असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित है, नंबर दो यहाँ पे वर्ग अंतराल भी समान है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल साइज दे रखा है, हमारी क्लासेस बनी हुई नहीं है, तो पहले हम यहाँ पे क्लासेस बनाएंगे उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्लासेस बनाने के लिए आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं, जैसे मैंने क्लासिफिकेशन डाटा में भी समझाया था और मीडियन में भी एग्जाम्पल लेकर समझाया था कि यदि आपको मिड वैल्यूज़ या सेंट्रल साइज दे रखी है तो हम क्लासेस कैसे बनाएंगे। तो छोटा सा ब्रीफ कर देती हूँ, बनाने के लिए यहाँ पर हम L1 लेने के लिए मिड वैल्यू में वर्ग अंतराल का हाफ माइनस कर देंगे और L2 के लिए मिड वैल्यू में या सेंट्रल साइज में वर्ग अंतराल का हाफ प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा L2। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल है हमारा 10-10 का गैप है, 10 का हाफ कर देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5, सभी मिड वैल्यू में से 5 लेस करेंगे तो हमारा L1 आ जाएगा और सभी में जोड़ देंगे तो हमारा L2 है। तो 5-5 0, 15-5 10, 25-5 20, फिर देन 30 40 50 60 एंड 70। L2 अपना हो जाएगा प्लस करने पर 5+5 10, 15+5 20 30 40 50 60 70 एंड 80। तो इस तरह से हमारी क्लासें बन जाएंगी। अब हम यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी है हमारी 5 10 14 22 21 16 9 and 3। अब आप वीडियो को यहीं पॉज करके, चूँकि इसमें इंस्पेक्शन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 22 आ रही है, लेकिन इसकी जो पिछली फ्रीक्वेंसी है 14 वो हमारी थर्ड हाईएस्ट नहीं है, थर्ड हाईएस्ट यहाँ पे 16 है, तो यहाँ भी हो सकता है हमारा आंसर शिफ्ट हो जाए, तो हम इस क्वेश्चन को भी इंस्पेक्शन से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हमको ग्रुपिंग से सॉल्व करना होगा, यानी वही हम 6 स्टेप से सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और ग्रुपिंग विधि के बाद पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है। तो आप वीडियो को यहीं पॉज करेंगे और ग्रुपिंग विधि से आप हल करके देखेंगे कि आपका हाईएस्ट टैली बार किसका आ रहा है। जब आप इसमें ग्रुपिंग से सॉल्व करेंगे तो आपके हाईएस्ट टैली बार अपन देखें तो हाईएस्ट टैली बार में भी यहाँ पे दो के आ रहे होंगे हाईएस्ट टैली बार, एक हमारे 30-40 के और एक 40-50 के। तो यहाँ पर जब फिर हमें टाई हो जाएगा कि आंसर कन्फ्यूजिंग है हमारा कौन सा होगा, तो फिर हम टेस्ट करेंगे यहाँ पर डेंसिटी टेस्ट, जो मैंने बताया था आपको डेंसिटी टेस्ट, जैसे अपने डिस्क्रीट में किया था। तो मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजिंग, जब टैली बार हमारे दो की इक्वल आ जाएंगे 30-40 के, ये आपको करके देखना है वीडियो पॉज करके, फिर मैच करके देखना है, या 30-40 और 40-50 के आपके अब देखेंगे तो टैली बार दोनों के सेम आ रहे होंगे, तो फिर आंसर डिसाइड करने के लिए हम डेंसिटी टेस्ट काम में लेंगे। डेंसिटी टेस्ट के लिए हम ले लेंगे इन दोनों की जो भी है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी पिछली फ्रीक्वेंसी और अगली फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ लेंगे। 30-40 की फ्रीक्वेंसी है 22, इसकी पिछली है 14, अगली है 21। 40-50 की फ्रीक्वेंसी है 21, इसकी पिछली फ्रीक्वेंसी 22 और अगली है 16, इसका हम टोटल कर लेंगे। इसका टोटल हमारा आ रहा है 57, इसका टोटल आ जाएगा 59, चूँकि ये हाईएस्ट है तो इसी से हम आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्वेश्चन चूँकि ये बढ़ते हुए क्रम में है, आई भी हमारा व्यवस्थित है, तो जेड इक्वल्स टू L1 प्लस Δ1 डिवाइडेड बाई Δ1 प्लस Δ2 इंटू आई। तो यहाँ पर L1 आपका हो जाएगा हमारा 40, Δ1 हम निकाल लेंगे इग्नोरिंग प्लस माइनस F1 माइनस F0, F1 है यहाँ पर हमारा 21, F0 है 22, तो ये हमारा आ जाएगा 1, Δ2 का फॉर्मूला हो जाएगा F1 माइनस F2, तो ये हमारा हो जाएगा 21 माइनस 16 5, तो Δ1 आ रहा है हमारा 1, Δ1 प्लस Δ2 1+5 इंटू आई हमारा हो जाएगा 10, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 40+10 डिवाइडेड बाई 6 और 41.67, तो हमारा जेड का आंसर आ जाएगा 41.67। तो ये तरीका है हमारा, जब ग्रुपिंग मेथड से भी हमारे टैली बार सेम आ जाएंगे तो फिर हम डेंसिटी टेस्ट से डिसाइड करेंगे कौन सी हमारी मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास जो डिसाइड हो जाएगी, जैसे मॉडल क्लास हमारी यहाँ पे 40-50 आ गई है, उस मॉडल क्लास से फिर हम फार्मूला पुट करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी F1 होगी, पिछली वाली F0 और अगली वाली F2, और फिर निकाल देंगे इसमें हम आंसर।